नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं विकी क्रिकी। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के 13वें सीजन का 12वां मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच दुबई में खेला गया। इस मैच में कोलकाता को जीत मिली। केकेआर ने राजस्थान को 37 रन से हरा दिया। आईपीएल 2020 में राजस्थान रॉयल्स की ये पहली हार है, जबकि कोलकाता की टीम की ये लगातार दूसरी जीत है। इस मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के कप्तान स्टीव स्मिथ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ऐसे में कोलकाता ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 174 रन बनाए। इसके जवाब में राजस्थान की टीम 20 ओवर में 9 विकेट खोकर सिर्फ 137 रन बना सकी। इसी के साथ कोलकाता को इस मैच में 37 रन से बड़ी जीत मिली। कोलकाता की ओर से सुमन गिल और सुनील नरेन ने अच्छी शुरुआत दी। 4 ओवर में दोनों ने 25 रन जोड़े, लेकिन 5वें ओवर में सुनील नरेन 15 रन बनाकर आउट हो गए। टीम को दूसरा झटका नीतीश राणा के रूप में लगा, जो 17 गेंदों में 22 रन बना पाए। टीम को तीसरा झटका सुमन गिल के रूप में लगा, जो 34 गेंदों में 47 रन बनाकर आउट हुए। टीम को चौथा झटका दिनेश कार्तिक के रूप में लगा, जो 1 रन बना पाए। टीम का 5वां विकेट आंद्रे रसेल के रूप में लगा, 14 गेंदों में 24 रन बनाकर आउट हुए। टीम को छठा झटका पैट कमिंस के रूप में लगा, जो 12 रन बनाकर आउट हुए। इयोन मॉर्गन 23 गेंदों में 34 रन बनाकर नाबाद लौटे, जबकि कमलेश नागरकोटी भी 8 रन बनाकर नाबाद रहे। राजस्थान की टीम को 175 रन के लक्ष्य का पीछा करना था, लेकिन टीम को खराब शुरुआत मिली। कप्तान स्टीव स्मिथ एक खराब शॉट खेलकर 3 रन के निजी स्कोर पर आउट हो गए। इसके बाद संजू सैमसन भी 8 रन बना पाए। जॉस बटलर के रूप में टीम को तीसरा झटका लगा, जो 21 रन बनाकर चलते बने। टीम का चौथा विकेट रॉबिन उथप्पा के रूप में गिरा, जो सिर्फ 2 रन बना पाए। टीम का 5वां विकेट रियान पराग के रूप में गिरा, जो 6 गेंदों में सिर्फ 1 रन बना पाए। इस मैच में राहुल तेवतिया से भी उम्मीद थी, लेकिन वे सिर्फ 14 रन बना पाए। इसके बाद श्रेयस गोपाल भी 5 रन बनाकर चलते बने। जोफ्रा आर्चन ने एक छक्का जरूर लगाया, लेकिन वो सिर्फ 6 ही रन बना सके। जयदेव उनादकट ने 9 रन की पारी खेली। वहीं टॉम कुरन 54 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि अंकित राजपूत भी 7 रन बनाकर नाबाद लौटे। इस तरह टीम 20 ओवर में 137 रन बना सकी, मुकाबला 37 रन से हार गई। आईपीएल 2020 का अगला मैच किंग्स इलेवन पंजाब और मुंबई इंडियंस के बीच है। इन दोनों टीमों ने 3-3 मुकाबले खेल लिए हैं, लेकिन सिर्फ 1-1 मुकाबला ही जीता है। और दोनों के साथ खास बात यह है कि दोनों ने अपने सुपर ओवर के मुकाबले गवाए हैं। ऐसे में मुझे कमेंट करके बताइए इस मैच में बाजी कौन मार सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने क्रिकेट प्रेमी दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।